सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2020 की सबसे बड़ी ट्रेड हो गया है ट्रेंट बोल्ट का। आईपीएल 2020 में अब दिल्ली कैपिटल से ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलने वाले हैं, ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे मुंबई इंडियंस की टीम से। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आखिरकार एकदम से ये ट्रेड कैसे हो गई। साथ ही में बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस की टीम को जरूरत क्या थी ट्रेंट बोल्ट की, इन डिटेल सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, मुंबई इंडियंस के फैन हो एक लाइक बनता है वीडियो पे, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम में बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट भी एक फास्ट बॉलर है, फॉरेन फास्ट बॉलर है, और मुंबई इंडियंस की टीम में भी फॉरेन फास्ट बॉलर्स की आप फौज खड़ी कर दोगे। आपके पास है लसित मलिंगा, आपके पास है जेसन भेरेंड्रॉफ, आपके पास है मिचेल मैक्लेनिगन, आपके पास है ब्यूरन हेंड्रिक्स और अल्जारी जोसेफ भी है आपके पास। फिर यहां पर ट्रेंट बोल्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो लसित मलिंगा की बात करें तो मलिंगा के साथ एज फैक्टर आ जाता है, उनको कभी भी इंजरी हो सकती है, बीच सीजन कभी भी ये धोखा दे सकते हैं। साथ ही में जेसन मेरेंड्रॉफ को भी अभी थोड़ी बहुत इंजरी है, और खुदा ना खास्ता आईपीएल 2020 में भी कुछ इंजरी हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा है मिचेल मैक्लेनिगन, इतना अच्छा फॉर्म अभी नहीं दिख रहा है, साथ ही में ये थोड़े बहुत विकेट्स तो चटकाते हैं पर ये रन खा जाते हैं, इनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है और यहीं पर मुंबई इंडियंस मात खा जाती है, तो शायद तक मिचेल मैक्लेनिगन रिलीज भी होने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को ट्रेड किया गया है। ब्यूरन हेंड्रिक्स यंग बॉलर हैं, प्रेशर सिचुएशन हैंडल अभी नहीं कर पाएंगे। साथ ही में बात करें अल्जारी जोसेफ की, तो शायद तक अल्जारी जोसेफ भी रिलीज होने वाले हैं क्योंकि वो एज अ रिप्लेसमेंट आए थे और मुंबई इंडियंस की टीम में इतनी जगह भी नहीं है। सो ये बात तो हो गई पहले पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आप मुंबई इंडियंस की टीम में देखते हो तो सबसे अच्छे तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन अभी रिपोर्ट्स की माने तो जसप्रीत बुमराह को है इंजुरी, और अगर आईपीएल 2020 में इंजरी के कारण उनका फॉर्म थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, और अभी रिपोर्ट्स की माने तो शायद तक बीसीसीआई भी खेलने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि वर्ल्ड टी20 भी आने वाला है, तो इसके लिए एज अ बैकअप भी आप देख सकते हो ट्रेंट बोल्ट को। अगर आप देखते हो तो भाई इंडियन प्लेयर्स तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले थे, इंडियन फास्ट बॉलर ऑप्शन में है नहीं, यही अच्छा ऑप्शन था। ट्रेंट बोल्ट आपको डेथ में भी बॉलिंग करके दे देंगे, पावर प्ले ओवर्स में भी बॉलिंग करके दे देंगे और अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, इसीलिए ट्रेंट बोल्ट का ट्रेड किया गया है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो भाई इनके अगर आप प्राइस देखते हो तो ट्रेंट बोल्ट को सिर्फ 2.2 करोड़ रुपीस में ट्रेड किया गया है और ये बहुत कम है। ट्रेंट बोल्ट जैसा खिलाड़ी अगर आपको सिर्फ 2.2 करोड़ रुपीस में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुंबई इंडियंस की टीम वैसे भी आईपीएल ऑक्शन में किसी को खरीद नहीं वाली थी, मुंबई या तो मिचेल स्टार्क को लेती या पैट कमिंस को लेती और वो अच्छी बड़ी कीमत में चले जाते और मुंबई इंडियंस के पास इतना पर्स में बैलेंस भी नहीं था, सो ट्रेंट बोल्ट इनको सस्ते में मिल जाए और बहुत अच्छी ट्रेड हुई है ये। चौथे और आखिरी पॉइंट की बात करें तो वो हो सकता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप मुंबई इंडियंस की टीम अभी देखते हो तो इनके पास फास्ट बॉलिंग में मिचेल मैक्लेनिगन है और लसित मलिंगा है, ये दोनों के साथ एज फैक्टर का इशू है, कभी भी इनको इंजुरी हो सकती है, कभी भी ये क्रिकेट खेलना बंद कर सकते हैं, तो वहां पर मुंबई इंडियंस की टीम थोड़ी दिक्कत में आ जाएगी। सो अभी ट्रेंट बोल्ट के अंदर इन्वेस्ट किया बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट देख रही है मुंबई इंडियंस, ये देख रही है कि आगे 2-3 साल तक हम जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के साथ टिकने वाले हैं, दोनों अगर भाई खेलते हैं बहुत अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अगर आप भाई पावर प्ले ओवर्स में देखते हो, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट, बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है और मुंबई इंडियंस की टीम और बेहतर खेलने वाली है, इनकी बॉलिंग में और सुधार आ गया है क्योंकि ट्रेंट बोल्ट यहां पर ट्रेड हो चुके हैं। ये तो थी भाई मेरी तरफ से आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो एक पर्टिकुलर रीजन कि क्यों ट्रेंट बोल्ट को ट्रेड किया गया है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बिल्कुल से जरूर से बता देना। सो फिर ऐसी ही आईपीएल की अपडेट चाहिए ये तो सब्सक्राइब करके जाना, मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।